हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। आज आम पढ़े पिले पीएमएसटी रो स्कॉलरशिप रो 2019 रो क्वेश्चन आंसर टिके अल्प आज आम डिस्कशन करवा। जेहेतु यही पठाणी सामंत नाइन्थ क्लास रो सब्जेक्ट केवल मैथ ही आसीबो, आ मैथ रो केउ केउ विषय गुडी को आसीबो मु आपन मानको नेक्स्ट क्लास रे पूरा संपूर्ण रूपे आपन मानको कहि देबी। तो आसंतु आज आम 2019 रो किछि प्रश्न आलोचना करिबा। जदि आम चैनल को नुआ करी देखुचंती ताले सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं सांगसाथी मानको शेयर करंतु। आरो लेट करिबानी, आज आम प्रथम प्रश्न पढ़िबा। देखो से देछि गोटे त्रिभुजर ए देला 2 एम एंगल ए इक्वल 3 एम एंगल बी इक्वल 6 एम एंगल सी हेले एम एंगल बी रो माप केते। त्रिभुज ए बी सी रे 2 एम एंगल ए 2 एम एंगल ए इक्वल 3 एम एंगल बी इक्वल 6 एम एंगल सी है। ये टाइप वीडियो मु आगुरु पे तुमको पढ़े आउ ये वीडियो आउ थे देखियो इच्छा अच्छे तो डिस्क्रिप्शन रे लिंक दि जाए आप देखिपारंतु है। ये आगुरु मुझे पढ़े तथापि मुझे आज कहूँ देख जो 2, 3, 6 देला तार एलसीएम बाहर कर दे एलसीएम अर्थ लॉस हम एलसीएम अर्थ लॉस हम बाहर करता के आस देख 2, 3, 6 रो 2, 3, 6 रे आसला 6 है के आसला 6 आसला पर दुई को 6 रो हर के आस 3 है मुझे लिखीद बी ए सी है 6 2 जो आम 6 हर 6 2 रे हर ताल आसला 3 तार्थ एटा हूँ 3 तीन ये जो हर ये आस दुई ये रहा 6 6 एक होगा एम जानते ए रण परिमाण केन गुण बी रुई गुण सी रुण है बर्तन आम तीन टाइम मिसेद तीन एक्स प्लस 2x + x है इक्वल के गोटे त्रिभुजर गोटे त्रिभुजर तीन कण परिमाण समस्त के 180 डिग्री ओके तीन टाइम मिसे 6x इक्वल के आसला 180 डिग्री बाय 6 बाय 6 पर करवा है। तो एक्स इक्वल के आस 180 डिग्री बाय 6 6 6 36 18 शून के आसला 6x = 6x = आसला 180। तो एक्स इक्वल के आस 180 बाय 6 36 18 शून 30 डिग्री एक्स है 30 कि आम पचास कौन बी बी रत अनुपात आसला पहले 2x तो 2x हेले 2 × x मूल्य के 30 के आसला 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर के पे बी बी हम तार उत्तर 60 डिग्री है। नेक्स्ट आम गणित कर त्रिभुज संबंध देख ए त्रिभुज संबंध गोटे दुईट वीडियो कर लिंक दे दी आप देखिपारे भी बहुत सहज बोले त्रिभुज ए बी सी एम एंगल देला 60 डिग्री और एम एंगल बी देला 3 × m सी हेले एम एंगल सी रे मूल्य केते है बहुत सहज पे आम जानते गोटे त्रिभुजर तीन कोण परिमाण समष्टि केते डिग्री 180 डिग्री है के 180 डिग्री है के डिग्री 180 डिग्री ए देला के आम लिखिपर 60 डिग्री प्लस बी देला बी इक्वल 3 × m सी 3 × m सी 3 × m सी प्लस ये सी ओके इक्वल के आसला 180 डिग्री है 3 × c यहाँ 3 c यहाँ सी गोटे के 4 c इक्वल के 60 प्लस अच्छे आसे माइनस तो के आसला 180 60 गले 120 तो एंगल सी कलु के 180 रु 60 गले 120 बै 4 तो उत्तर के देख पे उत्तर आसो के बै 4 120 को आम 4 हर बै 4 4 × 4 = 12 300 के आसला 30 डिग्री के आसला 30 डिग्री है एंगल सी आसला कैसे 30 सी आम कौन पचासे एंगल सी एंगल सी रूल्य के आसला 30 तो ऑप्शन नंबर के हम डी है बहुत सहज पे। नेक्स्ट आउ गए ए त्रिभुज संबंध संबंध एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी देते 75 डिग्री एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी दे 130 डिग्री से कौन पचारे एम एंगल बी पे देख जार कोण परिमाण पचार से कोणटे ही रखी है कहीं आम बी पचार तेनाली ए रोसी दरकार ना तो कौन कर देख
ना ये हम ए प्लस बी देला 75 तो पचास तुम बी दरकार कौन कर ना एंगल ए रखिदेव है 75 डिग्री माइनस एम एंगल बी हो माइनस एम एंगल के बी बर्तमान आम कौन कर ए बदल आम लिखिपर 75 डिग्री माइनस एम एंगल बी गोटे त्रिभुजर तीन कोण परिमाण समष्टि के 180 डिग्री केते डिग्री 180 डिग्री तो बर्तमान देख हेले एंगल ए प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी इक्वल 180 डिग्री ए इक्वल के आसला ना 75 डिग्री माइनस ये बी है प्लस प्लस देख बी प्लस सी दे 130 इक्वल के 180 डिग्री है बर्तमान देख ए माइनस तो बी रहा यहाँ मिसे दियो के शून ये पाँच के आसला पाँच तीन सात दस एक के दुई दुईश पाँच के आसला दुईश पाँच इक्वल के आसला 180 डिग्री है आम बी रान दरकार तो बी इक्वल के माइनस बी इक्वल माइनस बी हाला माइनस बी इक्वल के 180 डिग्री माइनस के लिखा 180 डिग्री माइनस माइनस दुईश पाँच है माइनसटा बड़ अच्छे माइनस बी तो रहा 180 फेड़ दियो के आस 205 रु 180 गले पाँच रु शून गले तो पाँच रोर ये एक दश आण के पचीस के पचीस है माइनस आईला कि माइनस 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 बर्तमान कटला तो बी के आसला बी इक्वल टू 25 डिग्री हला देखिबा बी इक्वल 25 अच्छी ना ना ऑप्शन नंबर ए बी सी तो ना ऑप्शन नंबर के डी अच्छे तो बी इक्वल के आसला आम 25 डिग्री है बहुत सहज फिर यहपरी तुम मैंने करेंगे है त्रिभुजर उपर दुईट भिड कर तार डिस्क्रिप्शन लिंक दे दीजिए आप देखिपर पुनः नेक्स्ट देख घंटा समय ये गोटे मन रख आर गोटे फर्मूला अच्छे ना 30 इंटू एच एच है घंटा माइनस 11/2 m है यार एच हूँ घंटा बुझिपार आम हो मिनिट है एच हूँ घंटा एम हो मिनिट ये फर्मूला पक तुम जब घंटे करदेव तेल बहुत सहजे हो जाए तेनालीरु मन रख जितेबाला तुम घंटा समय दे घंटा घंटा और मिनिट घंटा मध्य कण परिमाण केते ताले ए फॉर्मूला व्यवहार करिव हला क फॉर्मूला एबे जो लिखली 30 h माइनस 11/2 हला 30 h माइनस 11/2 तो बर्तमान देख ए फॉर्मूला पक 30 h माइनस 11/2 m 30 h के 11 तो 30 × 11 माइनस 20 है गुण 11/2 है 11 के 330 माइनस 2 10 है के आसला 110 है 330 रु 110 फेड़ दियो तो 0 रु 0 गले के आसला 0 3 रे 1 हेल्ला 2 3 रे 1 हेल्ला 2 है 220 डिग्री के आसला 220 डिग्री बर्तमान देखिए 220 डिग्री ऑप्शन रे अच्छी कि ना ना 200 डिग्री आसला ए 220 डिग्री देखो 220 डिग्री ऑप्शन रे कोड़ी भी नहीं हला जदि नहीं कौन कर देख पे यहाँ हूँ गोटे घंटा है मन रख घंटा 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 हो कि मिनिट घंटा हो सी ये डिग्री अंकन कर पूरा संपूर्ण पे मन रख 360 डिग्री है कत डिग्री गला 360 डिग्री जदि यहाँ 11 यहाँ 12 1 यहाँ 6 3 ये 9 हला सी कौन कहते 11:20 हेल्ला घंटा घंटा ये थी हेला सान घंटा एपट थी जदि हेल्ला देख एपट भी कौन अंकन हो दुई सैड कौन अंकन होपटे कौन अंकन होपट भी कौन अंकन होना है ये आसला आम के 220 डिग्री कि 220 डिग्री ना जदि ना तो तुम मैंने कौन कर 360 डिग्री रु 220 माइनस कर दी है माइनस कर 0 रु 0 गले 0 6 रु 2 गले 4 3 रु 2 गले 1 के आसला 140 डिग्री तो ऑप्शन के बोले बी है ऑप्शन हम बी बहुत सहज बोले ऑप्शन हम बी नेक्स्ट आम देखा
सूत्र ही पूरी पिले हला जे गोटे सामुद्रिक चित्र कर्णद्वयर छेद बिंदुरु 8 सेमी विशिष्ट एक भूमि प्रति अंकित लंब दरकी देला 6 सेमी हेले सामुद्रिक चित्र क्षेत्रफल केते कौन कर देख ये गोटे सामुद्रिक चित्र रहा है ये सामुद्रिक चित्र कर्णद्वयर छेद बिंदु अर्थ ये ओ यहाँ ए बी ए सी डी है कर्णद्वयर छेद बिंदुर ये बाहु प्रति अंकित लंब देदेला के 6 सेमी है भूमिर दरकी देदेला 8 सेमी से आम कौन पचार क्षेत्रफल पचार है आर पे डायरेक्ट फर्मूला गोटे अच्छे ये कर्णद्वयर छेद बिंदु दे उच्चता आ भूमिर दरकी जो दे मन रख 2 इंटू मैं लिखि दिए बी सी गुण डी दे दिए ओ डी बुझिपाल 2 इंटू बी सी गुण ओ डी है 2 2 रहा बी सी के 8 तापर ओ डी 6 6 48 48 दुगुण 96 वर्ग सेम ये देख 96 अच्छे ना ना देखा 96 ऑप्शन नंबर के डी तो उत्तर हम डी है बहुत सहज नेक्स्ट आम देखा ये बहुत सहज पे देख गोटे रम्बस कर्णद्वयर दर्घी देदेला 6 सेमी 8 सेमी है यार जेकोसी दुईटी बाहु दर्घी समष्टि के देख पे गोटे रम्बस तो आम जानते चारोटी बाहु दर्घी सामान है गोटे बाहु जदि आण तार दुई गुण करदे हो बर्तमान से कौन कहला दुईट कर्णर दर्घी देखिए आम किसी कर दरकार ना बहुत सहजे हो कर्ण देला गोटे दे 8 सेमी आ गोटे दे 6 सेमी है आमको पचार बाहु यहाँ प्रतिलम्ब हम ना गोटे रम्बसर कर्णद्वय परस्पर को कौन करती ना समकोण समदीखंड करती 90 डिग्री है यार समदीखंड करती जो 8 है तेल यहाँ के आसब 4 जदि 6 है तेल यहाँ के आसब 3 होगा एवं बर्तमान देख जेहेतु ये गोटे समकोणी त्रिभुज समकोणी हेल्ला देख उच्चता दे 4 भूमि देन है उच्चता है पी तो पी दे 4 है बी दे 3 देख उच्चता जो 4 भूमि 3 दे सब पे मंडप एच इक्वल 5 आसत आस 5 आस किपर आस कहीदेवी है यहाँ हूँ समकोणी त्रय 4 3 5 देखे हेचटा के आस 5 आसला आम जान देला बाहुटा गोटे के आसला बाहुर गोटे मूल्य आसला के 5 गोटे 5 है आउट भी 5 हम से कौन कहते जेकोसी दुईट बाहर दरकार समस्ती 5 5 मिसले के 10 ऑप्शन नंबर के तो बी है बहुत सहज 5 किपर आस देख समकोणी त्रय एच पी बी है एच इक्वल फर्मूला अच्छे पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है रूट हम एच के पी दे 4 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर रूट हम 4 स्क्वेयर के आसला ना के 16 प्लस 9 रूट हम के आसला 25 रूट हम 25 रूट हम के 5 है आ गोटे पे मन रख यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट यहाँ जो तुम मैंने मन रखीच समकोणी त्रय है एच दे 5 तेल 4 ये 3 यहाँ दे 13 यहाँ 12 ये 5 17 15 8 यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट पे आज जो दे 25 24 ये 7 है मन रख तुम परीक्षापी बहुत उपयोगी आ तुम मैंने ये जानते सहजरे करपर है तुम समस्त गणित जाच कर किपर कितु कम समय मध्य गणित किपर करवा है तो परीक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोच समय टाइम तो ठीक समय आम किपर गणित करवा ताहले आम कि गोटे ट्रिक मन रखा पड़ो जहाँकि आम चैनल तरफ आपको से सुविधा दिजाव है तेणु जदि आम चैनल को नुआ कर देखुंटे सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ सांगसाथी मानक सेयर करूँ आर लाइव क्लास निश्चित भाव में आसंता काली ठारु स्टार्ट हम आतोल स्टार्ट मु टाइम आपदेवी आदि आम चैनल को आसंती लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ सेयर करूँ धन्यवाद।